नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई वेल ला कानून से संबंधित। जी हाँ, रसल अल खेमा। जी हाँ, वहां से रिलेटेड कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि ये वीडियो यहाँ डालने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, लेकिन ये भाई उन लोगों के लिए जरूरी है जो शादीशुदा है, कुछ वाइफ से परेशान, कुछ वाइफ हस्बैंड से परेशान। ऐसा कुछ मैटर कोर्ट तक चला जाता है, पुलिस तक चला जाता है, कानून की पेचीदगी में फंस जाते हैं, फिर परेशान होते हैं। उनसे रिलेटेड है कि यूएई दुबई का सरकार का जो कानून बना हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मेरी बताऊं, मुझे अच्छा लगा, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कल की ताज़ा घटना है रसल अल खेमा दुबई के यूएई की। जी हाँ, पूरा वीडियो देखिए, पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए मैटर मैं बता दूं, एक वाइफ, यहां पे नाम किसी का नहीं है, जीसीसी लिखा है, यानी है ये कौन, या तो इंडियन है या फिर पाकिस्तानी है या फिर अदर एशियन कंट्री कोई भी है, बाहर की है, दोनों बाहर के हैं, यूएई में रहते हैं, दोनों में आपस में बनी नहीं, कोर्ट तक पहुंच गया मैटर। जी हाँ, छोटे निचले कोर्ट में मैटर पहुंचा, निचले कोर्ट में फैसला किसके हक में दिया, हस्बैंड के हक में फैसला दे दिया, ठीक है। तो औरत ने क्या किया, फिर हाई कोर्ट यानी ऊपर उच्च स्तर के न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई कि मुझे इस हस्बैंड से तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए। जी हाँ, मैटर क्या रहा, वाइफ ने एलिगेशन क्या लगाए, ये अपने घर पे लोगों को लेके आता है, दोस्तों को लेके आता है, शराब की पार्टी करता है, मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखता, उनका दवाई वगैरह का एजुकेशन फीस नहीं देता, मुझे खर्चा नहीं देता वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ एलिगेशन लगा के मैं मेरे घर में रह रही हूँ इनके साथ, मतलब इनके घर में सुरक्षा नहीं, ऐसे कुछ एलिगेशन लगाए कोर्ट में वकील के माध्यम से, ठीक है। तो हस्बैंड के वकील ने वहाँ पे जो उनका पक्ष रखते हुए ये बोला कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, एविडेंस के साथ में सबूत भी साथ में पेश करने होते हैं, हमेशा ध्यान रखें इस बात का, एविडेंस के सामने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा मुवक्किल है यानी उनका हस्बैंड, कभी किसी दोस्त को घर पे लेके नहीं गया, कोई पार्टी नहीं करी, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं होने दी, घर पे ऐसी असुरक्षा की कोई भावना नहीं है, और रेगुलर जो भी होता है, उनने एलिगेशन ये लगाया कि उनकी वाइफ उनको बिना पूछे घर से निकल जाती है शॉपिंग करना वगैरह वगैरह, जो भी एलिगेशन लगते हैं आपको सबको पता ही है। तो इन चीज़ों के आधार पे कोर्ट ने फैसला पता है क्या दिया, बहुत अच्छा डिसीजन दिया, मैं इन चीज़ों से खुश हूँ। कोर्ट ने साफ बोल दिया कि तलाक लेने का, डिवोर्स लेने का ये कोई आधार नहीं बनता है। जी हाँ, चुपचाप करके अपने हस्बैंड के साथ साथ होके उनके घर जाइए, कोई तलाक का आपका केस नहीं बनता, और केस को खारिज कर दिया। जी हाँ, निचले के जो कोर्ट था उन्होंने जो फैसला दिया था उसी को उच्च कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने फैसला बरकरार रखते हुए हस्बैंड के पक्ष में फैसला दे दिया, और उसको बाकायदा ये बोला कि ये कोई तलाक का आधार नहीं है, आप गलत हो, बदले में कोर्ट की फीस, वकील की फीस उसकी वाइफ को बोला गया कि आप भुगतान करोगे। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बात है भाई, अगर यही एग्जांपल इंडिया में होता तो भैया ऐसा बहुत कम ऑप्शन देखने को मिलता है कि कोर्ट में गए राजीनामा हो जाता है, या फिर कोर्ट ये बोलता है आप कोर्ट में जाओगे एप्लीकेशन दोगे, कोर्ट आपको 6 महीने के लिए बोल देगा कि आप 6 महीने बाहर घूम के आओ। अब घूमना कहाँ है यार, जो कोर्ट मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है पुलिस के माध्यम से, और वो उनको कोर्ट आदेश देता है कि आप घूम के आओ 6 महीने में, क्या पता आपकी सुलह हो जाए और आपका घर फंस जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, नहीं होता है। कोर्ट सख्त आदेश नहीं देता अपने इंडिया में कि ये कोई मामला नहीं है आधार तलाक लेने का, आपको तलाक नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो भाई ये न्यूज़ थी, दुबई का जो कोर्ट है उनका जो कानून है मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। हो सकता है भाई आपको भी ये न्यूज़ अच्छी लगेगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।